Good afternoon, children. Good afternoon, children. Today, जैसे आपको पहले से टॉपिक पता है, we are going to recite a poem which is in your textbook, आपकी जो textbook में है, that is lesson number 7. हमारा lesson 7 है, और the name of the poem is The Hilltop Temple. जो भी बच्चे टेक्स्टबुक रखते हैं वो निकाल लीजिए. Very good. So we are going to recite a poem, Hilltop Temple, and this is also a very beautiful poem. बहुत ही सुंदर कविता है, जो हमारे टेक्सबुक में, जो कि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही स्कोरिंग है. टोटल इन ऑल देर आर 3 स्टैंजास. पूरी कविता में 3 स्टैंजास हैं. समझना थोड़ा सा कठिन है, आज हम उसका प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले आप अपनी टेक्सबुक में लेसन 10, जिसका नाम है हिल टॉप टेम्पल, उसे निकाल लीजिए. एंड होल्ड योर पेन और पेंसिल विथ यू. पेन पेंसिल आप पकड़ के रखेंगे. आई विल प्रोवाइड यू द वर्ड्स मीनिंग. मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी एंड यू विल हैव टू नोट इट डाउन. आप उसको नोट करते चलेंगे. तो सभी बच्चे तैयार हैं? शैल वी बिगिन? क्या हम आगे की प्रोसेस शुरू करें? आप अपना हाथ उठा के जवाब देंगे यस या नो में. ओके, वेरी गुड. आई कैन सी दीज पीपल. ओके, बालाघाट, कटनी, ऑल आर रेडी? Now I'm reciting this poem for you, okay? After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head brilliant with sun, the mobile goddess in her house of stone, in a loneliness of meditating air. अब बच्चों, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, हमने लास्ट टाइम भी आपको जो पोयम रिसाइट कराई थी, द फॉरेस्ट एंड रिवर, हमने उसमें एक प्रश्न बनाया था, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ हम हर पंक्ति के अंत में जो शब्द आया है उसका राइमिंग वर्ड ढूंढते हुए चलेंगे. यू कैन सी द फर्स्ट लाइन इज एंडिंग विद द वर्ड स्टेयर. पहली पंक्ति की आखिरी शब्द को देखिए, स्टेयर. और जो फोर्थ लाइन है हमारी, फोर्थ लाइन में लास्ट में क्या लिखा है? एयर. सो दिस इज द राइमिंग वर्ड. आप अपनी टेक्स्ट बुक में वही नोट करते चलिए. स्टेयर, एयर. स्टेयर का राइमिंग वर्ड है एयर, जिसमें तुक निकलती है. अगली जो लाइन है वो देखिए आप. पहले हम इसे पढ़ेंगे. वाइज वर द ह्यूमंस दैट सेट हर देयर अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन. द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर अलोन revealed its boundless self mystic and bare. Then our body is an epitome of some vast that masks its presence by our humanness. In us the secret spirit can indite a page and summary of the infinite. A notice of eternity expressed live in an image and a sculptured face. Now children, we'll go to the first stanza. वापस first stanza पे जाएंगे and we will try to write down the meaning and try to understand the meaning of the poem. जो कविता का अर्थ है, यह कविता सर अरबिंदो ने लिखी है. इस पोएम के जो पोएट है सर अरबिंदो. आपको ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हु इज द पोएट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा. जो स्टैंजा आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो उसमें उसके पोएट का नाम आपसे पूछा जाता है. सो यू कैन राइट डाउन
The poet of the poem Hilltop Temple is Sir Aurobindo. Now let's see what Sir Aurobindo wants to convey. Sir Aurobindo क्या चीज हम तक convey करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं? आपको पता है hill एक पहाड़ी है और अधिकतर हर गांव में, हर क्षेत्र में पहाड़ी की छोर पर, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। हाँ, उसी मंदिर की बात हो रही है। टॉप कहते हैं ऊंचाई को, टेंपल कहते हैं मंदिर को, हिल यानी पहाड़। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ ए हिल स्टेयर, पहाड़ी के असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद, अननंबर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अननंबर्ड इज असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? जो अर्थ है, धरती है, उसका जो हेड है वो क्या है? हिल है। द अर्थ हेड ब्रिलियंट विद सन, जहां पर सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा है, दैट इज ब्रिलियंट विद सन। द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, अब यहाँ पोएट नेचर की बात कर रहा है। एंड इन नेचर व्हाट कम्स, क्या आता है? पृथ्वी, सूर्य, पहाड़। पहाड़ पृथ्वी का टॉप मोस्ट पॉइंट, हिल कहते हैं। वहां पर गॉडेस प्लेस किया है, देवी को प्लेस किया है, और देवी की स्थिति कैसी है? देवी जो है, गॉडेस जो है, वो इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब अचल, जो कि चल नहीं सकती। इन हर हाउस ऑफ स्टोन, और वो जो टेम्पल है वो कहाँ बना है? वो टेम्पल बना है हिल टॉप पे। और हिल किस चीज से बना होता है? हिल बना होता है स्टोन से, पत्थर से। तो बेटा, व्हेन आई विल फिनिश द पोयम, जब मैं ये कविता पूरी करूंगी, तो आपसे इन वर्ड्स के मैं मीनिंग पूछूंगी कि आपने इन शब्दों के अर्थ को प्रॉपरली लिखा है या नहीं। लास्ट जो फोर्थ स्टेंस, फोर्थ लाइन है, इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर। एयर कैसी है? एयर मतलब वायु। वायु कैसी है? वो लोनली है, एकांत है वहां, और वहां पर कोई भी मेडिटेट कर सकता है। मेडिटेटिंग यानी ध्यान वाली स्थिति। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसकी जो ऊंचाई है, उसके ऊपर एकांत है, वहां पर शांति है, और वहां पर एकांत में, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवी प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। आप अधिकतर देखें पहाड़ की चोटियों पर ही क्यों मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां एकांत होता है और वो पृथ्वी की समस्याओं वाले जीवन से दूर होता है। अगले स्टंजा को देखें, वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर। वाइज, वाइज मतलब अच्छे। ह्यूमन हैंड्स, ह्यूमन कहते हैं मानवीय, हैंड्स मतलब हाथ। वे हाथ बहुत अच्छे हैं जो उस प्रतिमा को, देवी की उस प्रतिमा को सेट किया है वहां। सेट सेट करना मतलब स्थापित करना। देवी की उस प्रतिमा को स्थापित करने वाले हाथ बहुत ही अच्छे हैं कि जिन्होंने देवी की स्थापना वहां पर्वत के ऊपर मेडिटेटिंग एयर में, शांत वायु में की है। किन लाइन पढ़ती हूँ मैं? अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनाइन, अबव द वर्ल्ड यानी दुनिया से ऊपर, अबव मतलब ऊपर, दुनिया से ऊपर, एंड टाइम, यहाँ दो चीजें चल रही है, एक तो दुनिया की रोज सुबह शाम की चिंताएं परेशानियां, दूसरी समय, समय से और दुनिया से, इन सब के साम्राज्य से परे। यहाँ पर डोमिनियन का अर्थ साम्राज्य, जहां पर किसी का राज्य होता है। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स। सोल किसको कहते हैं? आत्मा को। जो आत्मा हमारे अंदर है वो कैसी है? लिव्स, काम, प्योर एंड अलोन। काम यानी शांत है,
प्योर यानी शुद्ध है और अलोन यानी अकेली है, यानी दुनिया की चिंताओं से और समय के साम्राज्य से परे उन सब से ऊपर हमारी जो आत्मा है जो हम सबके शरीरों में राज करती है, that is calm, वह कैसी है? वह शांत है, that is pure, वह शुद्ध भी है, and that is alone, और वो अकेली भी है. Revealed its boundless self mystery. Revealed का अर्थ लिखिए प्रकट, प्रकट होना, प्रकट किया, उसको प्रकट करती है, its boundless, bound कहते हैं सीमा को, और boundless यानी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है. इस वर्ड का आपको यहाँ से अपोजिट पूछा जा सकता है, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बाउंडलेस. तो बाउंडलेस का अर्थ हो जाएगा बाउंड, अर्थ यानी अपोजिट, विलोम शब्द वाला. रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर. मिस्टिक का अर्थ आप लिखिए रहस्यवादी, जहां हम आध्यात्म की प्राप्ति कर रहे हैं, दैट इज मिस्टिक, M-Y-S-T-I-C, mystic, mystic मतलब आध्यात्मिक, अप्रकट, जो हमें दिखाई नहीं देता. असीमित जो शक्ति है वो प्रकट होती है, that is mystic, आध्यात्मिक है, and bare, और वो bare भी है, B-A-R-E, bare मतलब खुला हुआ, और वह खुली हुई है, वह अनावृत है, खुली हुई अनावृत is the meaning of the word bare. आप bare शब्द का अर्थ लिखेंगे. Next sentence देखिए, our body जो हमारा शरीर है is an epitome of some vast. Our body is an epitome. Epitome इसका meaning लिखिए, यानी कोई बड़ी चीज है. जैसे हमने देखा अशोक द ग्रेट, उसकी तमाम सत्ता, उसकी पूरी जो साम्राज्य था, उन सबको हमने देखा पढ़ा, लेकिन उसका जो हमने प्रतीक लिया वो लिया हमने चक्र से. तो किसी बड़ी अपार सत्ता का अगर हम कोई एक भाग साक्ष रूप में चुन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपिटमी. सो आप उसका अर्थ लिख सकते हैं संक्षेप, संग्रह, या प्रतीक, या सार, या निष्कर्ष. Our body is an epitome of some vast. Vast कहते हैं फैले हुए को, किसी बहुत फैली हुई चीज, बहुत ही विस्तृत चीज का एक संक्षिप्त epitome है हमारा शरीर, हमारा जो काया है जो दिखाई देती है. यानी है बहुत कुछ, लेकिन उसमें हमने प्रतीक मात्र क्या ले लिया है? Body को ले लिया है. That masks its presence by हमारा बॉडी है, इट इज मास्क, ये एक नकाब पहने हुए है, एक पोशाक पहने हुए है अपने प्रेजेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, बाय अवर ह्यूमननेस. ह्यूमननेस कहते हैं मानवता. तो मानवता का एक मास्क, एक नकाब चढ़ाए हुए. इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन एंडाइट. इन अस, अस यानी हमारे, इन यानी अंदर, हमारे अंदर सीक्रेट मतलब रहस्यमय स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, हमारे शरीर के अंदर जो एक सीक्रेट स्पिरिट है वो एंडाइट, मतलब लिखिए टू राइट, लिखना. हमारा जो शरीर है वो किसी बड़ी चीज का एक एपिटमी है, उसके अंदर हम जो है वो मास्क पहने हुए हैं ह्यूमननेस का, और हमारे अंदर एक सीक्रेट स्पिरिट है, एक जो गुप्त आत्मा है, दैट कैन एंडाइट, और वो लिख सकती है. क्या लिख सकती है? अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनाइट. समरी, समरी कहते हैं सार को, इन्फिनाइट गॉड, अपार है, जिसको कि अपने शब्दों में वर्णित ही नहीं कर सकते, उसके बारे में हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा वास कर रही है वे काफी कुछ बता सकती है, लिख सकती है. आगे देखिए, अनोटिस ऑफ
eternity expressed. Notice, केंद्र, हमारे शरीर का जो केंद्र है वो क्या है? आत्मा. A notice of eternity. Eternity का अर्थ लिखिए शाश्वता. शाश्वता जो कभी भी ना बदले. सनातन. आप तीनों शब्दों को लिखिए ताकि जब आप इस शब्द को पढ़ें तो आपको इसका अर्थ याद आ जाए. A notice of eternity expressed. यानी जो कभी ना बदले ऐसी चीज का केंद्र जो है वो एक्सप्रेस यानी बताया गया है. लिव इन एन इमेज. इमेज किसे कहते हैं? परछाई को. लिव इन एन इमेज एंड अ स्कल्पचर्ड फेस. स्कल्पचर्ड फेस, फेस कहते हैं चेहरे को, शक्ल को. स्कल्पचर्ड यानी संगत राशि, मूर्ति. नीचे एक लाइन और है, देखिए हमारी कविता की लास्ट लाइन थी. तो यहाँ पर इन लास्ट वाली पंक्तियों में कवि आपसे ये कहना चाहता है कि जो शाश्वतता है उसका जो केंद्र है जीवन अभिव्यक्ति है, उसमें क्या दिखता है? लाइफ दिखती है. लिव यानी जीता है वो. एंड उसका एक इमेज प्रतीक है, जो कि शरीर है वो प्रतीक है. और एक संगत राशि मुखाकृति है, परंतु सभी के शरीर के अंदर एक आत्मा है जो अनंत है, जिसको हम अपने शब्दों से व्यक्त ही नहीं कर सकते. और उसके अंदर की स्थापना हिल टॉप टेम्पल, पहाड़ के ऊपर बनाए गए मंदिर के अंदर की गई है. वह देवी हर शरीर की उस आत्मा के अंदर वास करती है. बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में पूछे जाते हैं, उन पर एक नजर डालेंगे. सबसे पहले कुछ शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, उन्हें देखिए. यहाँ मैंने आपको इंग्लिश में मीनिंग बताए हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्न आता है. समटाइम्स इट इज आस्क्ड टू आंसर इन वन वर्ड. वन वर्ड में आंसर दीजिए या राइट डाउन द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम यानी समान. तो जब आपसे शब्दों के सिनोनिम पूछे जाएंगे, समानार्थी पूछे जाएंगे, दैट टाइम यू नीड मीनिंग इन इंग्लिश. सिनोनिम को ही हम मीनिंग कहते हैं, अर्थ कहते हैं. तो आप देखिए, आई एम रीडिंग दिस फॉर यू अलाउड. इमोबाइल, मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन नहीं हो. मेडिटेटिंग, कंटेम्पलेटिंग. मेडिटेटिंग यानी कंटेम्पलेटिंग यानी ध्यान करना. डोमिनियन, डोमिनियन का अर्थ देखिए सुप्रीम अथॉरिटी. सुप्रीम अथॉरिटी, अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी में बताया था इसका अर्थ, जहां पे राज्य, जो राज करता है. यहां पर कौन है डोमिनियन? हमारी आत्मा, हमारी सोल. काम, काम यानी क्वाइट, साइलेंट यानी शांत. रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लोज्ड यानी प्रकट करना किसी चीज को. क्लोज यानी उसको छुपाना, और डिस्क्लोज करना यानी उस चीज को रिवील करना, प्रस्तुत करना, यहाँ प्रकट करना. बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी असीम इन इंग्लिश यू विल से इट लिमिटलेस. बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस. द नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टिक. हिडन यानी छुपा हुआ. मिस्टीरियस, mystic means hidden, or the meaning of the word hidden in Hindi is छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता. Bare, bare मतलब uncovered, यानी जिसके ऊपर कोई cover, कोई पर्दा नहीं है. हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं नग्न, निर्वस्त्र, that is called bare. Some more meaning for you. Epitome. The meaning of the word epitome is किसी चीज का सारांश, संक्षिप्त, निष्कर्ष. मास्क, मास्क मतलब डिस्गाइज, यानी किसी चीज को
कवर कर देना. इंडाइट, इंडाइट मीन्स टू राइट, लिखना. इनफिनाइट, इनफिनाइट द गॉड. नोडस, नोडस का मतलब है केंद्र, सेंटर. एटर्निटी, द वर्ड एटर्निटी मीन्स बीइंग एटर्नल, बीइंग एटर्नल यानी शाश्वता. नाउ स्कल्पचर्ड, द वर्ड स्कल्पचर्ड मीन्स संगत राशि मूर्ति. बनाना, यहाँ पर है जो मूर्तिकार होते हैं वो पत्थर के ऊपर अपने औजार से तराश कर उसको स्कल्पचर करते हैं. तो खोद कर मूर्ति का निर्माण करना, दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर्ड. कार्व्ड, उसका आप समान अर्थी इंग्लिश में देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कल्पचर्ड इज कार्व्ड. कार्व्ड यानी पत्थर के ऊपर तराशना. Now here is the next slide for you children, and in this slide you can see there are some question answers which are from the text, from the passages which are in the poem. The first question is, how can one reach the temple? How can one reach the temple? कोई भी temple कैसे पहुंच सकता है, मंदिर में कैसे जा सकता है? R-E-A-C-H, reach, reach यानी पहुंचना, temple यानी मंदिर. और हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ मतलब कैसे. योर आंसर इज, वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अननंबर्ड स्टेप्स. वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग अननंबर्ड स्टेप्स. असंख्य सीढ़ियों को चढ़कर कोई भी व्यक्ति मंदिर तक पहुंच सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल. व्हाट डिड द पोएट सी, कवि, व्हाट मतलब क्या, सी, सी मतलब देखना, कवि क्या देखता है व्हेन वह मंदिर में पहुंचता है. आर ई ए सी एच, रीच, रीच यानी पहुंचना. जब ये क्वेश्चन आंसर्स और हमारी सारी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाएंगी, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू कैन आल्सो आस्क योर डाउट्स. अगर आपके पास है तो आप उनको भी पूछ सकते हैं. सो आई वॉज टेलिंग यू द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. What did the poet see when he reached the temple? When the poet reached the temple, he saw the immobile goddess in loneliness. जैसे कि आपने जो poem है उसके जो हिंदी explanation मैंने आपको बताया, आपने उसमें जाना कि ऊपर पहुंचने के बाद poet क्या देखता है. Poet देखता है कि वहां पर goddess है, और goddess कैसी स्थिति में है. What is the position there? There is loneliness. No shouting, no humanity, कोई मानवता वहां नहीं है, सब एकांत में है. और जो गॉडेस की जो पोजिशन है, गॉडेस इज इमोबाइल और वह स्थिर है, वो हिलडुल नहीं सकती. When the poet reached the temple, he saw the immobile goddess in loneliness. कभी जब ऊपर पहुंचता है तो स्थिर देवी को एकांत में देखता है. Next question is, How did the poet react when he reached the temple? जब poet temple में पहुंचता है, what was his reaction? तो उसका reaction, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी जब वो वहां पर एकांत में, loneliness में, immobile goddess को देखता है. Here is your answer. The poet praised the human hand. वहां पहुंचकर कवि मानवीय hands का, हाथों का तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है. That set the goddess there, कि जिन हाथों ने goddess की स्थापना वहां उस मंदिर के छोर पर की है. In such a lofty place above worldliness. आगे poet कहता है, In such a lofty place, इतने सुंदर स्थान पर, above worldliness. हम यदि नीचे रहते हैं, धरती पर रहते हैं, किसी के शादी हो रही है कहीं, किसी का देहांत हो गया है, कहीं बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो हम अपना ध्यान नहीं कर पाते. कवि यहाँ पर
उन हैंड्स की प्रशंसा करता है, उन्हें प्रेज करता है. द पोएट प्रेज्ड द हैंड्स, द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट द गॉडेस देयर, जिन्होंने उस देवी की स्थापना वहां की, इन सच अ लॉफ्टी प्लेस अबव वर्ल्डलीनेस, जो कि दुनियादारी से दूर है. वर्ल्डलीनेस का अर्थ है बेटा दुनियादारी. अगर यही टेम्पल और यही जो गॉडेस है वो नीचे हमारे साथ होती हिल के बजाय, तो हम सब अपने वर्ल्डलीनेस से निकल नहीं पाते. हम अपना जो मेडिटेशन है वो अपने गॉड के लिए नहीं कर पाते. यहाँ उस बात को पोएट एक्सप्लेन किया है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ? आपने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने गॉडेस की स्थापना कहाँ हुई है, वेयर द गॉडेस इज प्लेस्ड, वो बताया. ही हैज प्रेज्ड द ह्यूमन हैंड, फिर उसने उन मानवीय हैंड्स की, ह्यूमन हैंड्स की प्रशंसा की. Then in the next stanza he has compared the human body, मानवीय शरीर की उसने फिर तुलना की है. With whom? किसके साथ? The question is, what does the poet compare the human body with? Poet ने human body को, मानवीय शरीर को किससे compare किया है, किससे तुलना की है? Your answer is, the poet compares the human body with a vast epitome of God. Poet compares the human body. Poet ने मानवीय शरीर की तुलना the masked epitome of God. God से epitome आपको बताया था, the meaning of epitome, जहां पर उसने ईश्वर, God किसको कहते हैं? ईश्वर को. ईश्वर जो कि mask पहने हुए है और उसका सार है, epitome मतलब होता है निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकला है, जो उसका निचोड़ है, उसका मास्क जो है मानवीय शरीर पर चढ़ा हुआ है, उससे ईश्वर ने मानवीय शरीर की तुलना की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी? हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट? ऑपरेट करना यानी चलना, चलाना. तो जो सीक्रेट स्पिरिट है, जो गुप्त स्पिरिट कहते हैं आत्मा को, जो छुपी हुई आत्मा है, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ह्यूमन बॉडी में मानवीय शरीर के अंदर किस प्रकार काम करती है, ऑपरेट करती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन. योर आंसर इज, द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स अ पेज और समरी ऑफ द इनफिनाइट इन द ह्यूमन बॉडी. जो सीक्रेट स्पिरिट है वो एक पेज या उससे ज्यादा इन्फिनाइट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मानवीय शरीर के अंदर लिख सकती है. अगली स्लाइड देखिए, यहाँ जो पिछली स्लाइड है बेटा, इसमें राइट की स्पेलिंग WRIGHT है. देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो यू कैन करेक्ट इट. Write the name of the poem. Poem का आपको नाम लिखना है. Suppose if any stanza comes in your exam, अगर इससे कोई एक stanza आता है, तो it may be asked, write down the name of the poem. The name of the poem is Hilltop Temple. और जब आप इसे लिखेंगे तो ऊपर कॉमा में क्लोज करेंगे. Now, the next question is, write the name of the poet. If any stanza comes in the board exam, this question may पोएट ऑफ द पोयम हिल टॉप टेम्पल. हिल टॉप टेम्पल कविता के कवि का नाम लिखिए. देन द नेम ऑफ द पोएट इज सर अरबिंदो, सर अरबिंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इसमें कुछ नए शब्द आए हैं कविता में, इन शब्दों के आपको एंटोनिम्स लिखना है. सबसे पहले एंटोनिम्स का ऑपोजिट, दिस क्वेश्चन में कम इन दिस वे, राइट डाउन द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज ब्रिलियंट. ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत ही होशियार, बुद्धिमान. और उसका विलोम, उसका एंटोनिम है, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट इज डल.
word is eternity. Eternity jo kabhi bhi na badle. Stir. And the opposite of the word eternity is transience. You can note it down. Next word is mystic. And the just opposite of the word mystic is worldly. Adhyatma or adhyatmik ulta duniyadari. Vast, bahut hi phaila hua, vistar, minor, thoda sa, chota sa. The next word is summary. Summary matlab bhi saransh. Or the just opposite of the word is explanation, vistar. आपको कई प्रश्नों में समरी लिखने को आती है और कई प्रश्नों में आपको एक्सप्लेन करने को आता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करने को आता है. इस तरह आप इसको याद करेंगे. नाउ चिल्ड्रन, हियर आर फ्यू मोर वर्ड्स. यू कैन सी दिस इज द एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखिए, सम वर्ब्स आर गिवन, देन दे मे आस्क यू राइट डाउन द नाउन फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब्स. Write down the adjective forms of the given verbs and write down the adverb forms of the given verbs. Verbs ka aapko noun banana pooch sakte hain, noun ka verb banana pooch sakte hain, aur verb se adjective banana pooch sakte hain, adjective se adverb banana pooch sakte hain. So this is very important for you. Ye vocabulary wala question hai jo aapki कविता की पंक्तियां आएंगी उन स्टैंजास के अंदर आपको एक क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि राइट डाउन द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन. अब वो वर्ड नाउन फॉर्म में भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. हियर द फर्स्ट वर्ड इज मेडिटेट. मेडिटेट का नाउन फॉर्म है मेडिटेशन. मेडिटेशन से एडजेक्टिव आपने बनाया मेडिटेटिव, और मेडिटेटिव के बाद जब आपने एडवर्ब बनाया तो मेडिटेटिवली. यू कैन सी इट क्लियरली, मेडिटेट, मेडिटेशन, मेडिटेटिव एंड मेडिटेटिवली. नेक्स्ट वर्ड इज मूव. फॉर्म ऑफ मूव इज मोबिलिटी एंड द एडजेक्टिव इज मोबाइल. Everyone is using mobile nowadays. हम सब मोबाइल यूज कर रहे हैं. मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता. Noun mobility. और उसका जो verb है that is move. क्या? हिलना डुलना. The next word is reveal. Revelation is the noun form. Revelatory is the adjective form. And revelationary is the adverb form of the word reveal. The next word is eternity. The noun form is eternal. The adjective form is eternally. And we don't have any adverb form of the word eternity. Jin shabdon ka adverb nahi hai unke aage dash laga hua hai. Aap dekh sakte hain apni slide par. The next word is eternity ka aapko bataya tha arth. सनातन जो शाश्वत है, ये एक नया शब्द आपके उसमें आया है. इसको अच्छे से याद कीजिएगा. ये ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. राइट डाउन द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड एटर्निटी. एटर्नल. द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूरिफाई. प्यूरिफाइड, प्योर एंड प्योरली. The last word is mystify, mysticism, mystic or mystical, and the adverb form is mystically. This is also very important. You can note it down, the word mystify. जो हमसे छुपा हुआ है, रहस्यमय. Mystify, mysticism, mystic या mystical. And the adverb form is mystically. So that was the last slide, children. Now one more question arises. You
Just go through the first slide and find out the rhyming words of the following. You just see this second last stanza. In this, the third line is ending with indite and the fourth line is ending with infinite. So these two are the rhyming words, endite and infinite. Endite, infinite. These are the rhyming words. I'm coming back. Now just find out the rhyming words if anyone can say. Raise your hand if you can find out the rhyming word in this stanza. If stanza rhyming word dhoond ke bataiye aur jisne dhoond liya hai wo haath uthakar apna sign dijiye aur apna mic on karke bataiye. Is there any rhyming word in this stanza? If stanza mein koi rhyming shabd hai to use bataiye. Question may come in your exam. This is very easy. You have to find out the rhyming word from the given stanza. Ek number ka prashn hai, aapko dekh kar dhoondna hai aur dhoond kar likhna hai. Okay, if you are failing, I am telling you the first line is ending with there, 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 and the fourth line is ending with there, there. इन दोनों शब्दों के उच्चारण तुक वाले हैं जिनमें तुक निकलती है. तो rhyming words are the words in which there is rhythm, जिनमें rhythm हो, तुक हो. जो तुक वाले शब्द हैं उन्हें ही हम इंग्लिश में rhyming words कहते हैं. There, there. I'm coming back to the first stanza. If anyone can find out the rhyming word, कोई इन पंक्तियों में राइमिंग वर्ड अगर ढूंढ लिया है तो प्लीज हाथ उठा के बताइए. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड हियर? ओके, इन द फॉलोइंग स्टेंजा देयर इज द वर्ड स्टेयर. द फर्स्ट लाइन इज एंडिंग विद द वर्ड स्टेयर, एस टी ए आई आर. स्टेयर कहते हैं सीढ़ी को. और द फोर्थ लाइन इज एंडिंग विद ए. बच्चों आपको बता दूं, ये एक छोटी सी सोनेट है और सोनेट जो है वो 14 लाइंस की होती है. इन दिस पोयम देयर आर 14 लाइंस एंड इट इज फॉलोइंग अ स्पेशल रिदम. एक स्पेशल रिदम, एक स्पेशल तुक के साथ ये कविता लिखी गई. कैटेगरी ऑफ सोनेट्स में भी अलग अलग विभाजन है कि कौन सी कविता क्या कहलाती है. दिस टाइप ऑफ पोयम इज कॉल्ड अ सोनेट. सो बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन, आपने इसे सुना. अब मैं आपको समय देती हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोयम तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं. यू कैन इजीली क्लियर योर डाउट्स. आई एम बिफोर यू. और आपने आगे जो आपको 12th क्लासेस, 12th बोर्ड है, आपका छमाही एग्जाम शुरू होने वाला है. सिक्स मंथली एग्जाम इज जस्ट नियर. सो इफ यू हैव एनी स्पेशल टॉपिक विच यू वॉन्ट, यू कैन टेल दैट ऑल्सो. वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी बता सकते हैं. तो हम अपनी क्लासेस में उसके भी प्रिपरेशन करेंगे. छिंदवाड़ा के बच्चे बैठे हैं. इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? सारी चीज आपको समझ में आ गई है कविता की? कटनी से एक बच्चा हाथ उठा रहा है. आपका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं बेटा. माइक ऑन करके बोलिए.
Madhavgarh Katni, are you ready? आपका प्रश्न पूछिए बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट। आपका माइक ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन करके बोलिए। और कोई बच्चा? बालाघाट के बच्चे, आप सभी को पोयम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए कि आपको इस कविता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्ट होने से पूछ सकते हैं कितना है बालाघाट, बालाघाट के बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट आपका माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। और भी छोटे छोटे आप वन वर्ड वाले आंसर इससे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब आपको बड़वानी के बच्चे पूछ सकते हैं, इफ यू आर रेडी विथ योर टेक्स्ट। और अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे। बड़वानी के बच्चे अपना स्पीकर ऑन करके और उन्हें जो भी बात डिलीवर करना है वो कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो सिक्स मंथली एग्जाम है वो अच्छा हो और आप अच्छे नंबर उसे पास हो। और परीक्षा के बाद जो भी आप पेपर में डाउट्स देखते हैं तो आप अपनी अगली क्लासेस में पेपर साथ रख के उन प्रश्नों पर आप आपके टेली टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। टेली टीचर से आप जो प्रश्न पूछेंगे तो आप अपना सिक्स मंथली पेपर और उसके डाउट पहले से निकाल के रखेंगे। That's all. Have a nice day. Goodbye.